आज मैं सबसे पहले जाकिर नगर मेन रोड की बात करूंगा। जाकिर नगर मेन रोड पर जो 7 साल से जो रोड वहां पर जरा सी भी बारिश होती थी वहां पर पानी भर जाता था। अभी 2-3 दिन पहले अभी बारिश हुई, घुटने घुटने पानी भरा गया, वो भी आपने देखा और मीडिया ने भी दिखाया। मगर यहाँ के विधायक अमानतुल्ला खान के सर पे कोई जू नहीं रहेंगी। आज जो कल पोस्ट जो डाली गई के रोड का टेंडर पास हो गया है, वो टेंडर पास 7 साल पहले भी हुआ था। अगर तो 7 साल पहले बना दिया जाता, लोग बाग इतनी परेशानी में रहते रहे, गंदगी में रहते रहे, मगर कुछ सुनाई नहीं आया। जैसे ही विधायक के ऊपर एक्शन शुरू हो गया, जनता बोलने लगी, पानी दुकानों में भरने लगा, तो विधायक ने अपनी एक पोस्ट पर खत लिख डाला कि टेंडर पास हो गया है। मगर ये विधायक जी ये चाहते थे जब हमारा इलेक्शन का टाइम आएगा, जब हम रोड बनवाएंगे तो हम रेवड़ियां बांट लेंगे। मगर जनता की दिक्कत परेशानी कुछ नहीं दिखाई दी, तो इसलिए मैं बहुत दिन के बाद लाइव आया हूं और अपनी जाकिर नगर की जनता को ये कहना चाहूंगा कि अब भी वक्त है, आँख खोल लो, जाग जाओ। ये विधायक जी ने जो पोल डाली है, अब देखते हैं कि कितने दिन के अंदर ये रोड बनाया जाएगा। ये पोस्ट डाल देते हैं, इलाके के अंदर गलियां खोद डाल देते हैं, गलियां 6-6 महीने 8-8 महीने पड़ी रहती हैं, मगर कोई काम करने वाला नहीं है। तो एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि 6 इंच की रोड़ी जो रोडों पे गलियों में डलनी चाहिए, वहाँ 2-2 इंच की रोड़ी और 3-3 इंच की रोड़ियाँ डल रही हैं। ये जनता को देखना पड़ेगा, 1 साल बाद 1.5 साल बाद फिर वो रोड खराब होंगे, सड़क टूटेगी, गंदगी में फिर आना पड़ेगा, फिर लोग जनता चिल्लाएगी। अगर आपके इलाके में आपकी गली में कहीं भी रोड बनना है तो आप 6 इंच का मलवा डलवाइए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये टेंडर रोड़ी डालने का 6 इंच का पास हुआ है, ये 2-3 इंच रोड़ी डालने हैं, आगे को वो रोड टूटेगा, दबेगा, बैठेगा, मगर फिर आगे चल के 1-1.5 साल में फिर परेशानी शुरू हो जाएगी। एक बात और बताना चाहूँगा कि पतली पतली जो गलियाँ हैं, रोड 6 इंच ऊपर है और पाइप 8 इंच ऊपर डाल लें। जब ऊपर डाल लें तो नीचे का पानी कैसे जाएगा, ना कोई लेवल हो रहा, ना कोई हिसाब से हो रहा, ना कोई इंजीनियर मिलता, ना कोई आर्किटेक्ट मिलता, ना कोई ठेकेदार होता, सिर्फ लेबर मजदूर जैसे भी बना लेते हैं वैसे काम चल रहा है। रोड बनाने के बाद ना तो ये सीवरों की सफाई करते हैं, जो रोड अधे रोड़े जो भी है इन सीवरों में पड़ जाते हैं, कोई नहीं देखता। तो मैं अपने जाकिर नगर वार्ड के लोगों से यही कहना चाहूँगा के काम रोज नहीं होते, विधायक का काम है, विधायक करेगा, कौंसलर का काम है, कौंसलर करेगा। मैं आपको जगाने आया हूँ, बताने आया हूँ कि इलाके में जो जो काम हो रहे हैं उन काम को सही तरीके से कराया जाए, नहीं तो 1 साल के बाद फिर परेशानी आएगी। मगर फिर किसको रोगे, जब आज से आज विधायक जी को 8 साल हो गए विधायक बने हुए, अब आन के रोड शुरू हुआ है, मगर कोई भी रोड ऐसा नहीं है जहां लेवल सही हो, जहां पर 6 इंच की रोड़ी पड़ी हुई हो, कुछ नहीं है। तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि विधायक जी को जब ऑर्डर शक्ति पब्लिक आवाज़ उठाने लगती है तो विधायक जी पोस्ट डाल देते हैं कि आज यहां का उद्घाटन करेंगे। जाकिर अब कल 2 दिन से बारिश जब हुई तो मीडिया के माध्यम से दिखाया गया और विधायक के ही कार्यकर्ताओं ने उनको भी बताया, तो ये टेंडर 7 साल में ये तुरंत पास हो गया।
जब विधायक जी को वो रोड जाके नगर मेन मार्केट का बनाना था तो 7 साल पहले रोड क्यों नहीं बनाया। श्री मैं यही पूछना चाहूँगा कि विधायक जी ये बताइए, इतने दिन से लोगों को जनता को बेवकूफ बना रखा था आपने, अब आपका टेंडर कैसे पास हो गया ये सिर्फ इतना बता दो मुझे। ये पार्षद जी का ये काम है, पार्षद जी ने कहा कि हमने फाइल दे रखी है। पार्षद जी अगर आपके बस की नहीं था तो आप सीधा रोड पे जनता के बीच में आन के बताते कि ये रोड इसलिए नहीं बनना। अब 2-3 दिन के अंदर जब जनता आवाज उठाने लगी तो तुरंत रोड पास कैसे हो गया। और एक चीज और बता दूं मैं, अब ये रोड जो बन रहा है देखो कितने दिन में बनता है, पोस्ट तो डल गई और क्या कह मैं टेंडर भी पास हो गया, मगर ये देखा जाएगा कि कितने जल्दी विधायक अमानतुल्ला खान ये जल्दी से बनाते हैं। मगर ये वादे तो करते हैं, इनके लीडर इनका मुख्यमंत्री झूठ बोलकर सत्ता में जो आया कि मैं अपने दिल्ली में हर घर में 20,000 लीटर पानी दूंगा, किसके घर में पानी आया? एक भी हर आदमी 40 रुपए की कैन खरीदता है तब पानी पीता है, और ये कहते हैं कि हर घर बूंद देंगे। उन्होंने पाइपलाइन बिछवाई, आज वो पाइपलाइन गल गई, ब्लॉक हो गई, मगर पानी अभी तक नहीं आया। तो इसलिए मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि किसी के बेकाय में मत आओ, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आपके इलाके में कहीं गंदगी है, कहीं रोड टूटे हुए हैं, कहीं आपका सीवर उबल रहे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाओ, जो जो इनके जो मंत्री बैठे हैं वो भी देखे हमारे ओखला विधानसभा कितना बुरा हुआ हुआ है। तो ये जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दो विधायक जी, अभी वक्त है, 2 साल के बाद फिर इलेक्शन है, जब जनता के बीच में जाओगे तो क्या जवाब दोगे? श्री मैं यही कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, अगर मेरी बात सही लगे तो मेरी बात पर ध्यान देना, मगर ये लोग झूठ बोल बोल कर ये अपना वक्त निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इलाके का विकास कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ जहाँ भी ये रोड खोद देते हैं 6 महीने से पहले वो रोड नहीं बनता, जहाँ रोड डाल देते हैं वहाँ सीवर लाइन कभी साफ नहीं होती। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया का जमाना है, आपको कहीं भी गंदगी, कहीं भी आपको दिक्कत आए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में लाओ, जो इन नेताओं की पोल खुले कि ये कितने झूठे मक्कार आदमी हैं। ऐसी जो आदमी मुख्यमंत्री अपने गुरु का ना हुआ तो इनके कार्यकर्ता इनके जनता के क्या होंगे? कितने बड़े बड़े वादे करके आए थे कि 500 नए स्कूल खोलूंगा, मगर एक भी नया स्कूल नहीं बना। आज देख लो कई सालों से लाल स्कूल चल रहा है, अभी तक ये लाल स्कूल तैयार होके नहीं बैठा। 20 कॉलेज खोलूंगा, मगर एक कॉलेज दिल्ली के अंदर नहीं बना। इन्होंने क्या करा, जो स्कूल बने हुए भी थे उनकी दुकानें बना दी गईं। तो ये इतने झूठे मक्कार लोग हैं। तो इसलिए मैं जनता से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाइयों, आंख आप भी वक्त खोल लो, विकास हमारे ओखला में नहीं हुआ है, और अगर ओखला में विकास चाहिए तो आपको इनको उखाड़ कर फेंकना होगा, नहीं तो ये झूठ बोल के आएंगे, हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे, हिंदू मुसलमान बांटेंगे और फिर वोट ले जाके तुम्हें ही 5 साल दिक्कतों में तुम्हें ही रहना पड़ेगा। ये तो अपने एसी में अपने स्टैंडर्ड जगह में बैठेंगे, मगर जनता जब सुबह सुबह अपने रोजगार के लिए जाती है तो कोई नहीं देखता उन्हें, कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत, कितनी सामने से जाना पड़ता है। तो विधायक जी अगर आप पे मेरी लाइफ पहुंचे तो मेरी बात को ध्यान देना कि जनता ने आपको इसी ओखला विधानसभा से विधायक बनाया है, जब आपको विधायक बनाना जानती है तो विधायक से उतारना भी जानती है। आज की जनता, ओखला विधानसभा की जनता इतनी परेशान है गंदगी से
तादाद से ज़्यादा कहीं 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 ऐसी जगह नहीं है जहाँ आदमी सुकून से अपना जा सके आ सके। रोड बनते हैं तो वो महीने दो महीने के अंदर सीवर उबलने लगते हैं। अभी एक एक अभी उमर फारूक मस्जिद पे मैंने मीडिया के माध्यम से अपनी लाइव के माध्यम से खूब चिल्लाया, जब जाके विधायक अमानतुल्ला खान ने वो रोड बनाया, आज उस रोड को दो ढाई महीने मुश्किल से हुए हैं और सीवर उबलने लगे। मस्जिद है, मस्जिद के सामने पानी निकलने लगा, मगर विधायक जी के सर पे जू नहीं रेंगती, कुछ नहीं रेंगती। ये कब तक चलेगा अंदराज? इसको आँख खोलनी पड़ेगी, जागाना जागना पड़ेगा। और एक पार्षद जी से की बात भी कहना चाहूँगा, जिस इलाके में रोड बन चुके हैं वहाँ पर झाड़ू लगाई जाए, कि जो काम विधायक का है वो विधायक करेगा, जो पार्षद का काम है वो पार्षद करेगा। मगर यहाँ पर जनता ने आपको अपने विकास के लिए चुना है, मगर आपको सैलरी लेने के लिए नहीं चुना। तो इसलिए अगर मेरी लाइफ जिस पे भी पहुँचे, मेरी बात पे ध्यान देना भाई, कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर विकास चाहिए तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा। अगर हम चुपचाप रहे तो हमारा ओखला दिन पे दिन गंदगी के शुमार में रहेगा। यहाँ ना रोड बन पाएंगे, ना नालियाँ बन पाएंगे, ना साफ सफाई हो पाएगी, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए विधायक अमानतुल्ला खान से यही कहूँगा कि जिस रोड का आपने पोच डाली है उसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। पब्लिक ने आवाज़ उठाई तो काम शुरू होने लगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप जनता हो, आप कुर्सी पे बिठाना जानते हो और कुर्सी से उतारना भी जानते हो, दोनों काम करते हैं। अगर जो लीडर जो आपका आपके इलाके की आपकी समस्याओं को पूरा नहीं करेगा, उसको उखाड़ के भी फेंकना है आपको। तो मैं सिर्फ यही बात कहने के लिए लाइव आया था, और आगे भी कोई भी समस्या आएगी फिर मैं आन के बोलूँगा आपसे। मेरी बात पे मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, मेरी बात पे ध्यान देना कि विधायक की आंखें खोलनी पड़ेगी, जगाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं जगाया तो ऐसे ही टाइम कटता चला जाएगा, आगे को हमारे बच्चे गंदगियों में रहने लगेंगे, साफ सफाई का कोई नाम नहीं रहेगा। इन्होंने हमारा ईमान भी बताता है कि ईमान साफ सफाई रखो, मगर इन नेताओं ने हमारे इलाके हमारा ओखला पढ़े लिखों का ओखला है पूरा नाश करके डाल दिया। तो भाई मैं एक ही बार बार एक बात कह रहा हूँ, जैसे जनता आवाज़ उठाएगी तो नेता हो बहुत जल्दी आगे आगे चलेगा। नेता भी तो तुम ही लोगों ने बनाया भाई, किसी ने नहीं बनाया, तुम ही लोगों ने बनाया है। तुम ही बनाना जानते हो, तुम ही उखाड़ना जानते हो। तो इसलिए मेरी लाइव के माध्यम से आवाज़ उठाओ, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाओ, जहां आपको रोड टूटे हुए मिले, जहां सीवर उबलते हुए मिले, जहां कूड़े के ढेर मिले, आप सोशल मीडिया के माध्यम से उसको अपनी फेसबुक पे डालो, जो यहाँ के लीडरों को दिखाई भी दें।